Assalamualaikum, this is Mohsin Zaman and I am an agriculturist. आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब. ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है क्योंकि एंड में आप लोगों को पता चलेगा कि हम सस्ते से सस्ते में कम से कम पैसों में किस तरीके से क्रिमिनो अपलाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्रिमिनो अपलाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, तो आज हमारा बेस करता है आज का टॉपिक पेस्टल बर्ड के ऊपर. मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के पास पेस्टल बर्ड या पेस्टल ऑफलाइन बर्ड्स निकल आते हैं. अब वो उनसे परेशान होते हैं कि उन बर्ड्स को कहाँ यूज़ करें. तो मैं आज लेके आया हूँ ऐसा नुस्खा जिससे उन पेस्टल बर्ड्स की मदद से आप आसानी से अपने पास क्रिमिनो ऑफलाइन बना प्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, एक केस हम लोग स्टडी करेंगे आज. केस क्या है कि किसी ने पेयर अप किया ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू इंटू पार ब्लू ऑफलाइन. वो दोनों बर्ड स्प्लिट पेस्टल थे, उसमें से स्प्लिट पेस्टल एक या स्प्लिट इनो कोई था. फिलहाल हम लेते हैं कि दोनों बर्ड स्प्लिट पेस्टल थे, उसमें से कोई पेस्टल बर्ड निकल आया ऑफलाइन में. अब वो ग्रीन ब्लू और पार ब्लू तीनों किस्म के थे. सबसे पहले केस में हम पार ब्लू पेस्टल ऑफलाइन को उठा लेते हैं, वो उसकी स्टडी करते हैं कि उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं. अच्छा, पार ब्लू पेस्टल ऑफलाइन आपने लिया, उस पार ब्लू पेस्टल ऑफलाइन को आपने पेयर अप किया अल्बाइनो की फीमेल के साथ. अच्छा, मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत आसान लफ्ज़ यूज़ करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं और टेक्निकल नॉलेज के अंदर कहीं अपना बेसिक मकसद लूज ना कर दें. इनो और पेस्टल और डैक और ब्रॉन्ज ये आपस में एलील हैं. एलील एक दूसरे के स्प्लिट नहीं बनते हैं, वो अपने साथ कैरी कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. लाइक पेस्टल स्प्लिट इनो नहीं होता है, पेस्टल इनो होता है. खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं. हमने ले लिया पार ब्लू पेस्टल बर्ड ऑफलाइन में, उसे पेयर अप किया किसी अल्बाइनो की हेन के साथ. ऐसे आप दो पेयर बना लें, इनमें जो बच्चे आएंगे, जितनी फीमेल्स आएंगी वो क्या आएंगी, पेस्टलिनो ऑफलाइन. क्यों? क्योंकि ये एलील्स हैं और एलील्स के अंदर कोई तीसरी चौथी किस्म के बच्चे नहीं आने. पेस्टल बर्ड जब भी इनो के साथ लगेगा पेस्टलिनो बच्चे फेंकेगा, अगर पेस्टल बर्ड सादा है, और अगर पेस्टलिनो बच्चा है तो पेस्टलिनो और इनो बर्ड फेंकेगा. लेकिन इस केस में पेस्टल बर्ड बिल्कुल सिंपल बर्ड है, वो किसी का स्प्लिट नहीं है, किसी को कैरी नहीं कर रहा अपने साथ. पहले केस में आपके पास जो बच्चे आए वो आए पार ब्लू पेस्टलिनो स्प्लिट ऑफलाइन के मेल जाए और ब्लू पेस्टलिनो स्प्लिट ऑफलाइन के मेल जाए और पार ब्लू पेस्टलिनो ऑफलाइन ब्लू पेस्टलिनो ऑफलाइन की हैंज आई आपके. ऐसे दो पेयर आपने लगाए थे. अब सेकेंड पेयर की हैन आपने उठाई जो कि पार ब्लू पेस्टलिनो ऑफलाइन हो चुकी है, और फर्स्ट पेयर का मेल आपने उठाया जो कि ब्लू पेस्टल स्प्लिट ऑफलाइन हो चुका है. या तो ये उठा लें आप, या आप वहाँ से भी पार ब्लू पेस्टल लिनो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल उठा लें. अब हम आते हैं अपने बेसिक मकसद की तरफ, जो कि हमारा आज का फोकस है कि हमने क्रिमिनो ऑफलाइन की खेपें तैयार करनी है और सस्ते से सस्ते में. अच्छा, अब आपने एक बर्ड उठाया था ब्लू पेस्टल स्प्लिट ऑफलाइन का मेल, ब्लू पेस्टल लिनो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल, और यहाँ से आपने उठाया था पार ब्लू पेस्टल लिनो ऑफलाइन की हैन. इन दोनों को जब आपने पेयर अप किया तो आपके पास जो बच्चे आए वो दो किस्म के थे. सबसे पहले हैंस के अंदर आपके पास पेस्टलिनो ऑफलाइन पार ब्लू में भी हैंस आ गई और ब्लू में भी आ गई. इसके बाद अल्बाइनो ऑफलाइन की हैंस भी आ गई आपके पास और क्रिमिनो ऑफलाइन की हैंस भी आ गई आपके पास. इसी तरीके मेल्स भी आएंगे आपके पास और फीमेल्स भी आएंगी ऑफलाइन क्रिमिनो में, वो डीएनए के बाद आपको पता चलेगा. तो आप सोचें कि इतने सस्ते में आप कितनी ज़बरदस्त पेयरिंग कर रहे हैं. अगर बिल फर्ज करें, एक मिनट के लिए फ़र्ज करें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते दो पेयर लगाना, आपने एक पेयर लगाया था, अब आपके पास जो मेल आया था पार ब्लू पेस्टलिनो स्प्लिट ऑफलाइन का, उसको आपने किसी सादे अल्बाइनो की हेन के साथ भी पेयर अप किया, तो उसमें से कुछ फीमेल्स, इस पेयर में से कुछ फीमेल्स ऑफलाइन में वो क्रिमिनो ऑफलाइन और अल्बाइनो ऑफलाइन की आएंगे. अब अल्बाइनो ऑफलाइन की हैंस तो जज नहीं होंगी आपसे, आपके पास क्रिमिनो ऑफलाइन पैदा हो गए इतनी सस्ती सी पेयरिंग से कि पार ब्लू पेस्टलिनो स्प्लिट ऑफलाइन को आपने किसी अल्बाइनो की हेन के साथ लगाया और उसमें मज़ेदार किस्म की क्रिमिनो ऑफलाइन की हैन आ गई आपके पास. और सोचे कितने सस्ते और कितनी जल्दी आपने क्रिमिनो ऑफलाइन की प्रोडक्शन कर ली, और इसमें से कोई स्क्रैप भी नहीं आना है, मतलब इसमें से कोई ऐसा माल भी नहीं आना है जिसका मुंह काला हो या जो सेल ना हो सके, या कोई ग्रीन बर्ड स्प्लिटिनो हो जाए या कोई ब्लू स्प्लिटिनो हो जाए, ऐसे कोई बर्ड नहीं आना है. या तो पेस्टलिनो आएगा या इनो आएगा. तो सोचें कितना ज़बरदस्त आपका फ़ायदा होगा. सेकेंड केस जो था कि ग्रीन पेस्टलिनो ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू वन या बी टू, इसकी पेयरिंग से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसमें आप लोगों को बताएंगे ये सीरीज है
कि पेस्टल किस तरीके से यूज़ होता है, फिर डेक किस तरीके से यूज़ होता है और उसका क्या बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी वीडियोस की सीरीज़ में बताएंगे। और बहुत आसान अल्फाज में, बहुत मुश्किल लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे आसान अल्फाज यूज़ करेंगे कि आप लोग भी ईजी वे में इसे सीख सकें। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।